तो ये रहा फ्रेंड मेरा आज का पहला क्वेश्चन। तो चलिए आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। और अभी हम लोग DRDO MTS एग्जाम के लिए GK GS के क्वेश्चन को यहाँ पर आपका देखेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, और ये वीडियो में आपको सारे मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे, और ये वीडियो केवल आप लोगों को रिविजन के तौर पर लेना है, और देखना है कि आप यहाँ पर कितने क्वेश्चन का आंसर कर पाते हो। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मुगल साम्राज्य ने किस वर्ष दिल्ली सल्तनत पर विजय प्राप्त की है। ठीक है, इन विच ईयर द दिल्ली सल्तनत वॉज कंक्यूर्ड एंड सक्सीडेड बाय द मुगल एम्पायर, बताओ। तो जैसे कि आपको पता है मध्यकालीन भारत में जो हम लोग आपको पढ़े हैं मिडिवल इंडिया, उसमें आपके तीन आपके फेज है। ठीक है, जैसे कि पहले आपका दिल्ली सल्तनत आता है, दूसरा फिर क्या आता है मुगल एम्पायर आता है, उसके बाद आपका यूरोपियन कंपनी आता है। ठीक है, तो ये जो दिल्ली सल्तनत का जो टाइम ड्यूरेशन था वो कितना था, 1206 से लेकर आपका 1526 तक था। तो बस उसी वक्त आपका मुगल एम्पायर लोगों ने आपका दिल्ली सल्तनत पर आपका विजय प्राप्त किया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, हु वॉज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द दिल्ली साइकिल वॉक, यानी दिल्ली साइकिल वॉक की आधारशिला किसने रखी है, बताओ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अमित शाह ने आपका रखा था इसका आधारशिला। ठीक है, और ये जो दिल्ली साइकिल वॉक है वो दिल्ली के कौन से प्लेस पर है, ये भी आपका क्वेश्चन बनता है आपका। मैंने किसी मॉक टेस्ट पेपर में देखा था, एक तरीके से क्वेश्चन था कि जो दिल्ली साइकिल वॉक है वो दिल्ली के कौन से प्लेस पर है, तो ये आपका तुगलकबाद में है, तो ये याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विच आर्टरी गिव ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, तो कौन सी धमनी मस्तिष्क को रक्त को आपूर्ति करती है, बताओ। तो ये कौन सी आपका धमनी है, तो कॉमन कार्टरेट आर्टरी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कॉमन कार्टरेट धमनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका। यहाँ पर आपसे पूछा गया, इन जनवरी 2020 द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड रिड्यूस इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट टू डैश फॉर द करेंट फिस्कल ईयर। तो जनवरी 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को डैश तक कम कर दिया है। तो क्या है उसका अनुमान है आपका, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट में कितना परसेंट आपका वो कम करके कर दिया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4.8% आपका कम करके कर दिया है। ठीक है, जो वित्त वर्ष आपका चालू होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका। यहाँ पर आपसे पूछा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च एन इनिशिएटिव कॉल्ड साइबर सेफ वुमेन इन जनवरी 2020। तो निम्न में से किस राज्य सरकार ने जनवरी 2020 में साइबर सेफ वुमेन नामक एक पहल शुरुआत की है। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर का। तो ये कौन सा राज्य है जो आपका ये इनिशिएटिव चालू किया है साइबर सेफ वुमेन, तो ये आपका महाराष्ट्र सरकार ने आपका ये स्टार्ट किया इनिशिएटिव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट सैलिन सी इन द वर्ल्ड, तो विश्व में सबसे खारा सागर कौन सा है। ठीक है, तो सबसे खारा सागर पूछा है पूरे विश्व में, तो बताओ सबसे खारा सागर आपका कौन सा है पूरे विश्व में, तो ये कौन सा सी है, तो डेड सी बोलते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मृत सागर, जो कि सबसे खारा आपका सागर है पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ फ्री इंडिया वॉज अनाउंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, तो स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति को घोषणा किस वर्ष में की गई थी, बताओ। तो फर्स्ट इंडिपेंडेंट पूछ रहा है, ठीक है, इंडिपेंडेंट जब आपका भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो ठीक उसके एक साल बाद 1948 में आपका फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपका अनाउंस किया गया था। किसके द्वारा अनाउंस किया गया था, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा आपका अनाउंस किया गया था। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर, चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताना। ये जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, उनके नाम पर अभी दो चीज़ आपका नाम चेंज करके किया गया है। एक तो आपका ट्यूनल का नाम चेंज करके इनका नाम पे रख दिया है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, और दूसरा आपका है एक बंदरगाह, यानी एक आपका पोर्ट का नाम भी चेंज करके इनका नाम पे रख दिया गया है। तो आप लोग मुझे दोनों का कमेंट करके बताओ वो कौन सा राज है। ठीक है, जो उसका एक ट्यूनल का नाम चेंज करके रख दिया गया है और एक आपका पोर्ट का नाम चेंज करके रख दिया गया। ठीक है, तो चलिए आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट डिजीज काउजिंग एजेंट, तो बीमारी पैदा करने वाला सबसे छोटा एजेंट कौन सा है। ठीक है, सबसे छोटा एजेंट बताओ। तो एक आपका विषाणु है और एक आपका प्रियोन होता है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों बी और सी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका।
यहाँ पर आपसे पूछा विच मेटल वॉज यूज बाई रदरफोर्ड इन हिज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड ने अपने अल्फा स्कैटरिंग प्रयोग में किस धातु का उपयोग किया था। तो ये क्वेश्चन किसी से भी गलत नहीं होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन हम लोग साइंस में डिस्कस किए थे अगर आपको याद हो तो। तो कौन सा आपका मेटल था, तो वो सोना था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइट ऑफ बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा इज मार्क्ड बाय। तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है बताओ। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड अशोक मौर्य का रुमनदई स्तंभ के द्वारा आपका अंकित किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड रुमनदई पिलर ऑफ अशोका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मीथेन। तो मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है बताओ। मीथेन का पूछा है तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड मीथेन CH4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स इज लोकेटेड एट। तो राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान डैश में स्थित है, तो बताओ ये कहां स्थित है। तो ये आपका गोवा में स्थित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट वन द एबिलिटी ऑफ सर्टन मटेरियल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इज इन रिस्पॉन्स टू अप्लाइड मैकेनिकल स्ट्रेस इज नोन एज। यानी कार्यान्वित यांत्रिक तनाव का प्रतिक्रिया में बिजली उत्पन्न करने की कुछ सामग्री की क्षमता को डैश के रूप में जाना जाता है, बताओ ये किसके रूप में जाना जाता है। तो ये आपका पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रूप में जाना जाता है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड पीजियो इलेक्ट्रिक प्रभाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द गवर्नमेंट एट तहसील लेवल इन पंचायत राज इज नोन एज। तो पंचायत राज में तहसील स्तर पर सरकार को क्या रूप में जाना जाता है बताओ। ग्राम सभा, जिला परिषद, नगर निगम, पंचायत समिति। तो आपको थोड़ा सा भी अगर हल्का आइडिया होगा तो ये ऑप्शन तो पहले ही आप काट दोगे। थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकता है ग्राम सभा या फिर पंचायत समिति में, मगर ग्राम सभा भी नहीं होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा पंचायत समिति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका विच सिटी इज कॉल्ड गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया। मतलब किस शहर को गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है बताओ। यहां पर हो सकता है कुछ लोग गलत कर देंगे, ठीक है, मगर फिर भी बताओ इसका आंसर क्या होगा। गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो ये आपका राजस्थान का शहर जैसलमेर को कहा जाता है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। जैसे पिंक सिटी को जोधपुर कहा जाता है वैसे ही जैसलमेर को क्या कहा जाता है, गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया, क्लियर। चलिए चलिए मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपको पता है तो अभी आप मुझे ये भी कमेंट करके बताना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, प्रीवियस पेपर में ही पूछा गया है। मतलब कौन से शहर को आपका गार्डन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है, समझ गए क्वेश्चन। गार्डन सिटी किसको कहा जाता है, कौन से शहर को कहा जाता है या राज्य को कहा जाता है, मुझे बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरहोर, बोंडो, दिदाई, डोंगिरा, खोंड, जुंगास, खारैस, कुटिया, कोंड एक्सेट्रा ट्राइब बिलोंग टू विच स्टेट। तो मतलब आपसे पूछा गया ये सब जो जनजाति है वो कौन से राज्य का जनजाति है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया बताओ। तो ये आपका ओडिशा का जनजाति है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगर आपको एक से दो भी अगर आपको पता रहता बोंडोज की कहाँ का जनजाति, तो आपको आइडिया लग जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहड़ी इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो लोहड़ी किस राज्य में मनाई जाती है बताओ। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कहाँ मनाई जाती है, पंजाब में मनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ उमंग ऐप विच आईडी डेवलप्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू प्रमोट डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। यानी डिजिटल इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने आपका एक उमंग ऐप का एक लॉन्च किया था, ठीक है, उमंग ऐप का एक लॉन्च किया था, उसी का आपसे पूर्ण रूप पूछ रहा है, ठीक है, उसका फुल फॉर्म पूछ रहा है बताओ। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताओ, उमंग ऐप का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो उमंग ऐप का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया और उमंग ऐप आपका 2016 में आपका ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागालैंड बिकम अ पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडियन इन द ईयर ऑफ 1963 बाय विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो नागालैंड वर्ष 1963 में भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा भारत संघ का हिस्सा बना था। तो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट, मतलब कौन सा अमेंडमेंट आपका जोड़ा गया था इसको, तो 13वां अमेंडमेंट में जोड़ा गया था, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज अ नॉट अ पेनिनसुलर रिवर। तो निम्नलिखित में कौन सी नदी प्रद्वीपीय नदी नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछा है, तो बताओ उसका आंसर क्या होगा। तो पेनिनसुलर रिवर कौन सा नहीं है, नर्मदा भी है, ताप्ती भी है, केन भी है, मगर गंडक आपका पेनिनसुलर रिवर नहीं है, यह आपका एक हिमालय रिवर है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बाद बाकी सभी आपका क्या है, पेनिनसुलर रिवर, प्रद्वीपीय नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक द एंड ऑफ इमेजिनेशन इज रिटन बाय। तो पुस्तक द एंड ऑफ इमेजिनेशन डैश के द्वारा लिखी गई है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है बताओ, सुपर इम्पॉर्टेंट ये भी बुक है आपका, ठीक है। मैं आपको एक हिंट देता हूँ, अगर ये जो बुक आपका जो लिखी है, इन्हीं का आपका एक ये बुक भी है, ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ठीक है, ये बुक भी बहुत पॉपुलर है, आपको हिंट्स मैंने दे दिया, ठीक है, इसी बुक के लिए इनको मैन बुकर प्राइज भी मिला था 1997 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, अरुंधति रॉय, ठीक है, इसी के लिए आपका द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, इसी बुक के लिए उनको मैन बुकर प्राइज भी मिला था 1997 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द स्वॉर्म इन जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑन अक्टूबर 31, 2019। तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में किसे शपथ लिया बताओ, तो किसी से गलत नहीं होना चाहिए ये सब क्वेश्चन, तो जीसी मुर्मू ने लिया था, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका, अब यहां पर आपसे क्या पूछा है, बिम्स्टेक वाज फॉर्म इन विच ईयर, यानी आपसे पूछा है बिम्स्टेक का गठन किस वर्ष किया गया था बताओ। तो सबसे पहले बिम्स्टेक में टोटल कितने मेंबर है, तो टोटल 7 देश आपका इसके मेंबर है, इसमें अपना भारत भी है, अब वो 7 देश कौन कौन है तो ये भी आपको पता होना चाहिए, तो कौन कौन है मैं बता देता हूँ, बी बी यानी बी फॉर बांग्लादेश, बी फॉर भूटान, उसके बाद कौन हो जाता है आई एम, आई फॉर इंडिया, एम फॉर म्यांमार, फिर उसके बाद कौन हो जाता है एन एस, एन फॉर नेपाल, एस फॉर श्रीलंका, और लास्ट वन टी, टी फॉर थाईलैंड। तो ये टोटल 7 देश है जो कि आपका बिम्स्टेक का मेंबर है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका गठन वर्ष कब था, तो ये 1997 में आपका फॉर्मेशन हुआ था, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। और साथ में अभी आपको ये भी पता होना चाहिए, अभी इसकी चेयरमैनशिप किसके पास है, तो श्रीलंका के पास है, ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बांग्लादेश का ढाका में है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट इंडियन बैंक टू गेट ISO सर्टिफिकेशन। तो ISO प्रमाणीकरण पाने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा था, तो बताओ, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ठीक है, यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूज कर जाएंगे कुछ आपको ऑप्शन के साथ, फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, कैनरा बैंक है जो कि आपका पहला भारतीय बैंक है जिसको ISO सर्टिफिकेशन मिला है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि आप लोग के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, अब आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताना। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, हु गेव द टाइटल ऑफ राजा टू राम मोहन रॉय। तो राजा मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो ये भी सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, ठीक है। जहां आप चाहते हो ज्वाइन करना मुझे ज्वाइन कर सकते हो, तो मैं सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से मुझे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।